हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हरी सब्जी की खस्ता कचौड़ी बनाने चल रहे हैं। ये हमने सरसों लिया है, इसको हमने खड़ा धुल लिया था तो बारीक बारीक कट कर रहे हैं। ये बथुआ है, इसको भी इस तरीके से कट कर रहे हैं बारीक। इसमें थोड़ा सा सोया लिए हैं। ये सारी सब्जियों को बारीक कट कर ले रहे हैं। ये हल्का सा मेथी भी है। ये सब्जियां हमने कट कर ली हैं तो इसको एक बार दो बार फिर से धुल लेते हैं एक दो बार। और इसको धुलने के बाद हल्का सा बॉयल करेंगे हम कुकर में। एक सीटी लगाएंगे तो कुकर में इस तरीके से हम रख रहे हैं। छोटे गिलास से एक गिलास पानी डाल दिए हैं। इसको ढक्कन लगा के हम रख देते हैं एक सीटी हो जाए। एक सीटी हो गया था तो उतार लिए हैं गैस से। ये देखिए गल गई हैं सब्जियाँ। इसको हम थाली में निकाल लेते हैं ठंडा हो जाए। इसकी हम गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी भी तैयार करेंगे। ये ठंड के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होती है। देखिए थाली में निकालनी है तो ठंडा हो रहा है। इसको हम मिक्सी जार में ले लेते हैं। मिक्सी जार में पीस लिए हैं तो इधर हम पैन रखे हैं, ऑयल डाल दिए हैं, गरम हो रहा है। मेथी दाना हल्का से डाल रहे हैं, दो तीन सूखा मिर्च है। आधी कटोरी हम बेसन ले रहे हैं। ये देखिए लो गैस पे हम इसको चला रहे हैं ताकि बेसन जले ना। बराबर चलाते हुए बेसन ब्राउन हो गया है तो इसमें जो हम सब्जी पीसे हुए हैं उसको डालेंगे। ये देखिए इसका पेस्ट तैयार है तो इसको हम डाल दे रहे हैं। ये सब्जियां देखिए इसको डाल के हम चला लिए हैं, ज़्यादा पकाए नहीं, अब उतार लेते हैं ठंडा हो जाए। इधर हम आटा ले लिए हैं। आटा हमारी दो कटोरी है बड़ी कटोरी से। इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डाल रहे हैं। ये सरसों का साग जो लिए थे ठंडा हो गया है, इसको हम डाल रहे हैं इस तरीके से। इसमें हम तीन चार चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। इसको इस तरीके से पहले मिलाएंगे हम, सभी आटे में अच्छी तरीके से मिल जाए तब पानी डालेंगे। तो इस तरीके से पूरा आटे में देखिए मिला ले रहे हैं। अब इसमें हल्का हल्का पानी करके हम आटा लगाएंगे। आटा लगा लिए हैं देखिए इस तरीके से। इसको हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, आटा सेट हो जाए। अब इसको हम खोल रहे हैं। लगभग 10 मिनट हो गया है, आटा देखिए इस तरीके से हो गया है, सेट हो गया है। तो इसको हल्का सा अब हम और मसलेंगे। ऑयल लगा के हम हल्का सा और मसल दे रहे हैं। अब हम ये लोई ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से लोई बना लिए हैं। इसको हम इस तरीके से ऑयल लगा के बेल रहे हैं। हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम बेलना है। ये देखिए कटोरी है, छोटी कटोरी है तो मिनी खस्ता कचौड़ी बन रही है। ये छोटी छोटी हम इस तरीके से इसको कट कर ले रहे हैं। ये कचौड़ियाँ कट गई हैं तो इसको अब हम ऑयल में डाल दे रहे हैं। गरम है तेल हमारा, मीडियम गरम है तेल, ज़्यादा गरम नहीं है। ये देखिए ठंडी में इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी आप कभी भी नहीं खाए होंगे, पहले बना के देखिएगा। इस तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट आती है ये कचौड़ी। देखिए इस तरीके से बन के रेडी हो रही है।
इसको हम निकाल ले रहे हैं प्लेट में। इसी तरीके से हम और बना लिए हैं। एक एक करके इसको भी हम डाल दे रहे हैं इसमें। ये देखिए कचौड़ियाँ बन रही हैं खिली खिली। ये प्लेट में इसको भी हम पलट लेते हैं और इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। ये कचौड़ियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सभी दोस्तों को धन्यवाद। और ये खस्ता कचौड़ी देखिए हमारी बन के रेडी हो गई। नमस्कार।